अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिबास किचन। यम्मी एंड डिलीशियस रेसिपीज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस वीडियो को देखकर आप घर में बहुत ही आसानी से जलेबी बना सकते हैं। और इस रेसिपी में आपको जलेबी का खमीर उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंस्टेंट जलेबी है तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। और साथ में थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें 1/4 कप दही डाल दीजिए। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि दही जो है वो खट्टा होना चाहिए, वरना जो जलेबी है वो फूलेगा नहीं। यहाँ पे दही जो है वो खमीर का काम करेगा। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें। एक साथ सारा पानी ना डालें वरना ये जो है पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसको आप अच्छे से मिक्स करें। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा बिल्कुल लम्प फ्री पेस्ट बनकर तैयार है। हमें इसकी ये कंसिस्टेंसी रखनी है, बहुत ज़्यादा ना पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा इसको आपको मोटा करना है। अब इसे कुछ देर ऐसे रख दे, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। एक बर्तन में आप 1.5 कप चीनी डालें। फिर इसमें 3/4 कप पानी डाल दें और 1 टीस्पून नींबू का रस डाल दें। नींबू का रस डालने से चाशनी जो है वो जमता नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं चाशनी ठंडा होने के बाद जम सा जाता है, तो नींबू का रस डालने से वैसा नहीं होगा। और इसमें सेफ्रॉन का थ्रेड डाल दें, ये ऑप्शनल है। इसको आप 2 से 3 मिनट तेज आंच पर पकाएं। जब चाशनी जो है वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाए, जब वो हाथ में चिपकने लगे इस तरह से, मतलब कि एक तार से आपको इसे कम पकाना है वरना ये जलेबी में अब्जॉर्ब नहीं होगा। चाशनी हमारा बिल्कुल तैयार है, गैस को बंद कर दीजिए। अब एक पैन लीजिए जो फ्लैट सरफेस का हो, उसमें आप ऑयल डालकर गरम कर लीजिए। ये मैंने जलेबी बनाने के लिए फॉर्च्यून ऑयल का पैकेट लिया है। आप चाहें तो दूध का पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जिपलॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप जलेबी का पेस्ट जो है वो फिल कर लीजिए एक कोने में। और फिर उसे इस तरह से फोल्ड करिए ताकि इसका कोन बन जाए। ऊपर से रबर बैंड लगा दीजिए। एक और तरीके से आप जलेबी बना सकते हैं। ये मैंने सॉस का बॉटल लिया है, इससे भी आप जलेबी बना सकते हैं। इसमें आप जलेबी का फिलिंग्स जो है वो फिल कर ले। और इसे बंद कर लें।
ऑयल हमारा गरम हो चुका है, इसे ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम ही गरम करना है। अब हम पहले सॉस के बॉटल से जलेबी बनाएंगे, हल्का सा प्रेस करें और इसे यूँ राउंड 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 अब जलेबी बना लें। पैन में ऑयल ज़्यादा ना डालें, बहुत ही कम डालें। ये देखिए कितने आसानी से जलेबी बनके तैयार हो रहा है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे फिर ये आराम से बनने लगेगा। इसे दोनों साइड से आप अच्छी तरीके से लाल कर लें। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म रहेगा तब आपका जलेबी जो है वो सही से नहीं बनेगा, इसलिए ऑयल को आप बिल्कुल मीडियम गर्म रखें, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। इसे दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई कर लें, फिर आप इसे चाशनी में डाल दें। चाशनी में डालने से पहले आप चाशनी को जो है हल्का सा गर्म कर लें। इसे अच्छी तरीके से चाशनी में डिप करें 1 मिनट तक। एक मिनट बाद आप इसे चाशनी से निकाल लें वरना ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब दूसरी तरीके से जलेबी बनाते हैं। नीचे से आप थोड़ा सा पैकेट कट करें और फिर इस तरह से जलेबी बना लें। दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई करें, फिर इसे चाशनी में डालें। दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं घर में झटपट जलेबी बनाने के लिए। गर्मा गर्म जलेबी तैयार है, देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है। अब आप भी बना सकते हैं घर में झटपट जलेबी। इसे बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।